नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका बहुत बहुत मेरे सचिन सक्सेना चैनल में स्वागत है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए कि आज कुछ फिर से न्यू है, कुछ फिर इंटरेस्टिंग है, तो देखिएगा मेरी वीडियो में। हाँ, तो मैं एक बात आपको लेकिन बता देता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे जी प्लस मेरे ब्लॉग पे फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए। आप मुझे फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं, मुझे जी प्लस पर मिल सकते हैं, और आप मुझे मेरे ब्लॉग पर भी मिल सकते हैं, apxsamantaclass.blogspot.com पे। एक बात बताना चाहूँगा, आज जो एप्लीकेशन है वो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। उसके थ्रू आप अपने उंगलियों के इशारे पर कुछ भी काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आप इसका यूज़ करें और इसका इस्तेमाल करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी जब काम करते हैं तो आपको फ़ोन को बार बार टच करना पसंद नहीं आता है और बोर हो जाते हैं कि जिससे, तो उसके लिए अच्छा एप्लीकेशन है फिंगर गेस्चर। तो देखिए आपको फिंगर गेस्चर इस तरह से, ये फिंगर गेस्चर एप्लीकेशन के, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर में जाना है। फिलहाल मेरा इंटरनेट कनेक्शन ऑफ है तो इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। वहाँ पे आपको टाइप करना है फिंगर गेस्चर। आप जैसे इतना टाइप कर देंगे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए FINGR, आपको जैसे ही टाइप करेंगे इस आइकन वाले एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें, उसके बाद इसको यूज़ कर लें। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसका यूज़ आपको करना बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या, आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। तो मैंने एप्लीकेशन ओपन कर दिया है, अब देखते हैं। तो देखिए हमें सिखाता है कि ये किस तरह का आप एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ W का यूज़ है, मतलब आप स्क्रीन में कहीं भी वो चीज़ बना दीजिए और आपका फ़ोन काम करने लगेगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल W बना है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ऐड, हम अपने गेस्चर खुद ऐड कर सकते हैं, अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, अपने मन से कुछ जोड़ सकते हैं। चूज एन एक्शन टू लॉन्च, हम क्या खोलना चाहते हैं। लर्न, ये देखिए यहाँ पे तो वीडियो आती है कि आप यहाँ से सीख सकते हैं। फिलहाल मैं गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए टिप दी जा रही है। ओके, मैं ओके बटन कर देता हूँ। अब देखिए फिलहाल यहाँ पे 1 2 3 4 ये डिफ़ॉल्ट में बन के आते हैं, जैसा फेसबुक के लिए, जीमेल के लिए, मैप के लिए, और गूगल प्ले स्टोर के लिए, और व्हाट्सएप के लिए। यहाँ पे कुछ गेस्चर बने, चलिए मैं पहले इनका यूज़ बता देता हूँ, ये किस तरह काम करना है। तो देखिए जब आप कभी भी होंगे तो आपको ये फिंगर देखिए यहाँ पे एक बन के आ रही है। अब ये फिंगर आपके पास हमेशा आती रहेगी। तो सिंपली करना क्या है आपको, बस इस फिंगर पे जस्ट टैप करना है। अब जैसे ही फिंगर पे टैप करेंगे तो देखिए इस तरह से ये बन के आ जाएगा। अब ये वाइट पैनल उनके यार आपको यहाँ पे कुछ भी बना देना है। जैसे मैं यहाँ पी बना के टाइप कर रहा हूँ, मैंने पी टाइप किया तो देखिए मेरा प्ले स्टोर ओपन हो गया। तो देख सकते हैं कितना अच्छा एप्लीकेशन है। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे जी टाइप करता हूँ मैं, क्योंकि मैंने जी टाइप किया तो देखिए मेरा जी मेल यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। आपको बस एक अपनी उंगली से बस यूँ बनाना रहता है और आपके सब कुछ आ जाता है। अच्छा एप्लीकेशन है, यूज़ कर सकते हैं आप लोग। और देखिएगा यहाँ पे अगर आप नहीं चाहते इसको यहाँ पे आना तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ से नीचे हटा सकते हैं। और देखिए ऊपर ये चीज़ फिर नोटिफिकेशन बार में आ जाती है, प्रेस टू शो फिंगर ड्रॉअर, और जैसे क्लिक करेंगे आपका ड्रॉयर आ जाएगा। चलिए मैं फिंगर पे वापस क्लिक कर देता हूँ। अब मैं कुछ इसके सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ और कुछ न्यू बता देता हूँ कि हम न्यू अपने मन से ऐड, जैसे अभी तो यहाँ केवल फेसबुक, जीमेल, मैप, प्ले स्टोर ये सब लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक प्लस बटन आ रहा है, मुझे प्लस बटन पर क्लिक करना है। और ये देखिए चूज़ एन एक्शन तो फिर से आ रहा है, आप देख सकते हैं क्रिएट योर गेस्चर। अब देखिए आप जो भी बनाना चाहते हैं, जिसका, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन का बनाना चाहता हूँ तो ओपन एप्लीकेशन। और यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन पूछता है कि आप किस एप्लीकेशन का गेस्चर बनाना चाहते हैं। तो मैं जैसे एप्लीकेशन में कोई भी एप्लीकेशन का बनाना चाहता हूँ, जैसे ओपन होता है तो देखिए गाइज यहाँ पे इतना सारे एप्लीकेशन जो भी मेरे फ़ोन में है वो सारे आ चुके हैं। तो मैं जैसे चाहता हूँ कि इस एप्लीकेशन के लिए ये गेस्चर बनाया जाए तो वो
एप्लीकेशन, जैसे सपोज दैट मैं चाहता हूँ ये एम एक्स प्लेयर या W3 स्कूल HTML जैसे ये है, मैं इसका बनाना चाहता हूँ, तो मैंने उस पर क्लिक किया और ये देखिए ओपन W3 स्कूल। आप इसका नाम चाहें तो बदल सकते हैं या फिर नेक्स्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट किया तो अब हमें गेस्चर बनाने को बोला है। जैसे मैं गेस्चर के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं एच का यूज़ करूँ। देखिए मैं एच का यूज़ करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ, मुझे फिर से कंफर्म करना होगा उसको। मैंने फिर से एच किया, फिर से मैं एच कर रहा हूँ, डन। अब देखिए इस बार मेरा जो गेस्चर है कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए मैं इसको कहीं भी जाके ओपन कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ से ड्रॉ को ओपन करना होगा। मेरा फिंगर गेस्चर आ गया, अब ओपन किया। अब यहाँ पे मुझे टाइप करना होगा एच। अब जैसे देखिए एच टाइप करता हूँ, मेरा ओपन W3 स्कूल का HTML का जो है वो देखिए ओपन हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, आप बस अपनी उंगली से इशारे से इधर से उधर चलाते जाइए और दोस्तों को इम्प्रेस करते जाइए। अच्छा एप्लीकेशन है, यूज़ करिएगा, मेरी सलाह यही है। देखिए इसके थोड़े सेटिंग्स बारे में देख लेते हैं। इसमें कुछ एड्स वगैरह हैं तो उन एड्स को आप रिमूव करना चाहें तो इन जो इसको थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ पे कर सकते हैं। ये देखिए अगर आप डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से व्यू एज लिस्ट, तो जितने भी हैं वो लिस्ट के थ्रू आ जाएंगे। व्यू एज ग्रिड, तो ग्रिड में आ जाएंगे। प्लस से आप और बना सकते हैं और यहाँ पे कुछ सेटिंग है। देखिए मैं इसको हटा देता हूँ। आप गूगल ड्राइव से इसको सिंक करा सकते हैं, लर्न करना चाहते हैं तो डोनेशन भी कर सकते हैं, इनको फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। ये अबाउट अस में इनके जिन्होंने ये बनाया हुआ है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये देखिए 24 ईयर ओल्ड कंप्यूटर इंजीनियर फ्रॉम जेन स्पेन के हैं, इन्होंने डेवलप किया है इसको वगैरह बाकी। चलिए मैं बाहर आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे और कुछ सेटिंग्स है उसके बारे में देख लीजिए। जब हम सेटिंग्स पे आते हैं यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फिंगर ड्रॉयर सेटिंग्स, ये सेटिंग्स है तो इसको ऑन है। ओपन स्टिकी टू स्क्रीन एज, वो चिपक जाएगा, ऑफ रख सकते हैं। लॉन्ग प्रेस टू मूव, इसको आप ऑन कर सकते हैं, तो जैसे लॉन्ग प्रेस पे जल्दी जल्दी से मूव करा सकते हैं। जैसे ये मैंने लॉन्ग प्रेस करा लिया, अब हम मूव करा पा रहे हैं, नॉर्मल जल्दी से मूव नहीं होता है। फिंगर ड्रॉयर का आइकन यहाँ पे देखिए, आइकन पे क्लिक करेंगे काफ़ी सारे आइकन। आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है तो मैं इसको यूज़ कर दे रहा हूँ। फिंगर ड्रॉयर का आप साइज बदलना चाहते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, जैसे मैं फ़िलहाल मीडियम रखता हूँ। फिंगर ड्रॉयर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो ठीक, वरना अदरवाइज ऑफ रखिए। ड्राइंग पैनल कलर, इसका कलर आप चाहते हैं कि जो कलर चेंज हो जाए येलो वाइट जो भी उस पर कर सकते हैं। उसका लाइन कलर आपको जो देना है, लाइन का कलर ब्लैक वाइट वो सब चेंज कर सकते हैं। गेस्चर लाइन विड्थ कितना देना चाहते हैं, लार्ज स्मॉल मीडियम, जैसे मैं मीडियम ही रखता हूँ। अब लॉक स्क्रीन इनेबल कर सकते हैं कि लॉक स्क्रीन में भी वर्क करे। और ये वॉलपेपर वगैरह ऑन कर सकते हैं और ये यहाँ पे कुछ डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में भी ओपन कर सकते हैं और फिंगर ड्रॉयर होम। चलिए बस इतना काफ़ी है, अब हम बाहर आ जाते हैं। देखिए मैंने ये होम पे आ गया, आप डायरेक्ट इसी की हेल्प से कुछ भी बना सकते हैं जो भी आपने बनाया हुआ है और बस डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। देखिए मैंने ऐप बनाया और मेरा गूगल मैप खुल गया है। ओके फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।